सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे कई बार हम जब कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो होती नहीं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने टेम्पल रन ओपन कर रखा है और मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पेंडिंग लिखा आ रहा है, अभी भी पेंडिंग लिखा आ रहा है और सिर्फ पेंडिंग ही लिखा आ रहा है। यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है, डाउनलोड हमारा पेंडिंग ही है। तो फिर आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, एकदम जहाँ से ओपन होता है वहीं से। फिर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर जाना है। आपको जनरल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अकाउंट्स एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस पे जाना है। यहाँ आपको क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, इस पर कर देना है। फिर आपको क्लियर विश लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर भी क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नेटवर्क प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस पे आपको ओवर एनी नेटवर्क पे करना है। अगर आपका ओवर वाईफाई ओनली या फिर पास में एवरी टाइम का है तो आप उसे ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक कर देना। और उसके बाद ऑटो अपडेट पे डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना। और बस दोस्तों, आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आपको इस प्ले स्टोर को बंद करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करके सर्च करना है गूगल प्ले। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा और एक क्लियर कैचे का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और सारा डाटा डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको बैक में आ जाना है। फिर आपको सर्च करना है गूगल प्ले। यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विस करके भी एक ऐप मिलेगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज स्टोरेज या क्लियर कैच। आपको क्लियर कैच पे क्लिक करके सारा डेटा इसका भी क्लियर कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आप कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर थोड़ी ही देर में डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। खोलने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में टेम्पल रन का एग्जांपल दिखाया था, तो मैं टेम्पल रन पे ही आपको दोबारा डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ टेम्पल रन। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मेरा नेट स्लो था इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ले लिया था, पर दोस्तों आपका जो पेंडिंग वाला जो इशू है वो इसके बाद एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक। और दोस्तों, अगर इस ट्रिक के बाद आपका जो पेंडिंग वाला इशू था वो सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।